हेलो हाँ, अनवर सादत जी से बात हो रही है क्या? जी, अनवर बोल रहा हूँ भाई। मैं सोलापुर महाराष्ट्र लोक प्रधान न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ। जी साहब बोलिए। जी कुछ सवाल थे आपसे मुझे पार्टी को लेकर आपके। हाँ, भाई बोलिए बोलिए। कुछ दिन पहले आपके पार्टी के माजी नगर सेवक कुछ पदाधिकारी ने जी माजी आमदार रमेश कदम जी से मुलाकात की, जी हाँ एक होटल में मुलाकात की, जी हाँ और उनको लोकसभा का उम्मीदवार वो डिक्लेयर करना है, और ऐसा कह रहे हैं कि वो जी अच्छा लोकसभा सोलापुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। आपको कुछ पता है इस बारे में, जानकारी है? जी हाँ बिल्कुल, मेरे को जानकारी है। पहले हाँ पहले हमारे जो सदर है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन अवैसी साहब, अच्छा और महाराष्ट्र के सदर और एमपी इम्तियाज जलील साहब, हाँ अच्छा मुझसे बात करे थे। मेरे अच्छा थ्रू फारूक साबदी साहब से बात कर ये डिसीजन लिए थे कि हम शोलापुर से भी एमपी लड़ेंगे बोल के। फिर अच्छा उसके बाद शोलापुर के सदर फारूक साबदी साहब के ऊपर हम छोड़ दिए थे। तो अच्छा मैं 10 दिन बीच में उम्रे को गया हुआ था, तो अच्छा ये रमेश कदम साहब से मिले सो वो चीजों का मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं था। वो तो फारूक साबदी साहब का लुकआउट है, हमारा एज अ इंचार्ज हूँ मैं, बाकी का पूरा नहीं, काम आप पक्ष करना। निरीक्षक है, आपको मालूम होना चाहिए ना सारी चीजें। हाँ सोलापुर के मालूम आप नहीं, निरीक्षक बाद में मुझे पता है कि उनसे मिले, उनको मिलने भेजे हुए बोल के सब सही है वो बात, उसमें कोई दो राय नहीं है। हैं, मतलब आपके आदेश पे ये काम हो रहा है हाँ हाँ सोलापुर। बिल्कुल 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 लेकिन कुछ लोकल यहाँ के जो पदाधिकारी है, कार्य करते हैं, उनका ऐसा कहना है कि इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, इसको लेकर कोई पार्टी की मीटिंग हुई नहीं या बैठक हुई नहीं, हमें कुछ बताया नहीं गया, ऐसी चर्चाएं भी आपके पार्टी में ही चल रही हैं। नहीं, ऐसा गलत है। मीटिंग शायद मीटिंग अभी नहीं हुई थी, फारूक साबदी साहब आए नहीं थे होंगे, या जो जो भी था फारूक साबदी साहब शोलापुर आए तो इसके ऊपर मीटिंग होंगी, वो डिस्कस अच्छा करेंगे सबसे। अच्छा हमने एमआईएम चीफ बैरिस्टर ओवैसी से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया सर। अच्छा वो थोड़ा हैदराबाद के भी पार्लियामेंट के उसमें भी बिजी है, तो अच्छा हो सकता है शायद वो कामों में होंगे। हाँ, लेकिन आप सोलापुर के पक्ष निरीक्षक हैं, आप क्या कहना चाहते हैं लोकसभा सीट को लेकर सोलापुर के? हाँ बिल्कुल, हम लड़ने के लिए मतलब लड़ने के लिए डिसीजन लिए सो है सदर साहब और इम्तियाज जलील साहब। मतलब ये सारी चीजें ओवैसी साहब को पता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पता है सब, उनसे उनसे बात हो गई, फिर फारूक साहब साहब से वही बात करके बोले। जी अच्छा जी जी हाँ, रमेश कदम ही होंगे लोकसभा के उम्मीदवार नहीं, या? अभी अभी ये डिसीजन अभी फाइनल नहीं हुआ। हाँ अब ये फारूक साहब साहब और किसको देख रहे हैं क्या है, एक दो तीन लोगों को देखे बाद से कुछ डिसीजन लेंगे। फाइनल डिसीजन तो अभी इनका बोल के अभी नहीं हुआ, अभी अच्छा, मतलब फाइनल डिसीजन आपका यह है कि लड़ाना है, लेकिन लड़ाना है। उम्मीदवार हाँ आपने अभी फिक्स नहीं किया? अभी अभी फिक्स नहीं हुआ उम्मीदवार, इंशाल्लाह हुआ तो आपको पता चलेगा ना। तो हाँ, वही तो पता तो चलेगा ही सर। जी, थैंक हाँ। सर, एक और यू। सवाल था मेरा, हाँ सर ऐसा हाँ सर ऐसी भी चर्चा आई थी कि 4 तारीख के दिन ओवैसी साहब सोलापुर दौरे पर है, उस बारे में कुछ बता सकते हैं क्या आप? नहीं, साहब वो चुप, ऐसी अफवाह थी, कोई ऐसा बात नहीं थी आने की, क्योंकि नहीं, मुझे बोले बगैर सदर साहब तो टाइम नहीं देते, और अभी अब क्या 5 तारीख हो गई, तो अच्छा। वैसा कुछ भी नहीं था, कुछ अफवाह हो गया था या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी वो। अच्छा। जी हाँ जी हाँ अभी जी, आगे हो सकता है क्या सोलापुर में असद साहब का दौरा? अगर हम कैंडिडेट ठहराएंगे तो शायद साहब टाइम देते दे सकते। जी हाँ, जी मतलब जी इतना तो तय है कि आप उम्मीदवार लड़ाने हैं सोलापुर से। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ओके सर, लोक प्रधान से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर।